नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं संगीतकार दिलीप सैन और मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल प्रजापति जी की ये फिल्म शुभरात्रि के ट्रेलर लॉन्च पर और म्यूजिक लॉन्च पर मुझे बुलाया गया। मेरे साथ इस फिल्म की हीरोइन और बहुत ही प्यारी अदाकारा है विष्णु जी, मेरे लाडले सुपरस्टार म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो कि बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही अच्छा म्यूजिक दिया इन्होंने। शुभरात्रि का मतलब ये कि आज अगर शुभरात्रि है तो कल प्रभात होगा। ये फिल्म अपने आप में एक शुभरात्रि टाइटल जरूर है, मगर फिल्म लाइन के लिए, अपकमिंग स्टारों के लिए, नए पुरुषों के लिए एक शुभ प्रभात बनेगी। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये फिल्म का भी ट्रेलर देखने के बाद में मुझे ये लगा कि ये वाकई में ये दो साल जो गए हैं कोरोना के बाद में, अगर कोई एंटरटेनमेंट की अगर वाकई में कोई अच्छी पिक्चर सस्पेंस थ्रिलर जो देखने को मिलेगी वो है शुभरात्रि। और इसमें शाहिद मालिया जी है, राजू जी है, काफ़ी बड़े बड़े अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने मतलब इसमें अपना काम किया है। काफ़ी इनका ट्रेलर के बाद में मुझे ये लगा कि इतनी मेहनत, अगर इतना प्यारा ट्रेलर बनाए तो फिल्म तो बहुत ही प्यारी होगी। और विष्णु ने संगीत बहुत अच्छा दिया और राहुल जी ने सारे कलाकारों को बहुत अच्छा पिरो कर एक माला की तरह, सारे कलाकारों को माला की मोतियों की तरह उनको पिरोया और बहुत प्यारी फिल्म बनाई। और इनके लिए मैं यही दुआ करूंगा कि इन्होंने जो सपना देखा था आज से 4-5 साल पहले कि मैं इंडस्ट्री में कुछ बनूं, कुछ एक्टर बनूं या विलन बनूं, तो विलन के लिए तो लोगों के साथ धक्के खाए इन्होंने, क्योंकि मुझे मालूम था कि इंडस्ट्री जल्दी से किसी को अपनाती नहीं है। ये गए भी कभी कहीं फाइनेंस की भी बात कही, कहीं कुछ लगाने की बात की, मगर लोगों ने इनको डिच किया। आखिर में इनको कहीं से प्रेरणा मिल गई, इन्होंने कहा कि जब मरना ही है तो खुद ही मर के स्वर्ग जाऊँ ना, तब इन्होंने ये फिल्म बनाई शुभरात्रि, जिसका टाइटल बड़ा प्यारा है। क्योंकि हम जब किसी से भी मिलते हैं जाते वक्त यही कहते हैं शुभरात्रि जी, मगर इस फिल्म का उद्देश्य यही है कि देखने के बाद में आपको लगेगा कि कल का शुभ प्रभात बहुत प्यारा होगा। और इस पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ, और ख़ास करके इतने बड़े सारे चैनल लोग जो आप लोग आए हो, मैं हर वक्त आप लोगों की तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लोग नहीं हैं तो हम लोग भी नहीं हैं। बगैर मीडिया के, बगैर चैनल के, बगैर प्रेस के कोई भी चीज़ हिट नहीं होती, और उसको हिट बनाना और उसको पब्लिक तक पहुंचाना इन लोगों का काम है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों की तालियां बजाकर आप लोगों को नमस्ते करूंगा और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयां कि आप लोग यहाँ आए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे तो देखिए काम करने में बहुत मज़ा आया, और हालांकि मेरी मूवी है तो मैं अच्छा ही बोलूँगी, और इसमें काफ़ी सस्पेंस है, थ्रिलर है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी जाकर देखिए, क्योंकि 2 साल तक तो कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं हुआ है, तो आप सब लोग जाएंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और रही बात मुझे काम करने में, तो मेरे जितने भी मैंने पूरे टीम के साथ काम किया है मुझे बहुत मज़ा आया है, और हमने बहुत इन्जॉयमेंट के साथ काम किया है, काम को काम की तरह नहीं एक इन्जॉय की तरह काम किया है, बड़ा बहुत मज़ा आया मुझे। और ये जो जर्नी थी बहुत अच्छी थी, और बस यही चाहूँगी कि आप लोग जाइए और सब जाइए और ज़रूर देखिए शुभरात्रि। इस पिक्चर के अंदर, उस मूवी में क्या बताऊँ, बस आप लोगों को अच्छा लगा इसके लिए थैंक यू। शिवरात्रि एक्चुअली मेरे बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पोस्टर लॉन्चिंग में मैंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया था आज के 2-2.5 साल पहले। और शिवरात्रि फिल्म जब शूटिंग चल रही थी तो किसी को पता ही नहीं था प्रोड्यूसर है कौन, हर लोग मुझसे पूछते थे क्योंकि मेरी गाड़ी आती थी और लोग यूनिट मेरा मान सम्मान करता था, तो लोगों को एक्चुअली कन्फ्यूजन में थे कि एक्चुअली प्रोड्यूसर है कौन है। तो कोई कोई भी सोचता था कि भाई एक ही आदमी डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर कैसे हो सकता है। तो प्रोड्यूसर का जो पार्ट है वो क्लाइमेक्स में पता चला लोगों को कि भाई एक दिन जब शूटिंग रह गया था तब लोगों को पता चला कि फिल्म के प्रोड्यूसर यही है। और इस सवाल डायरेक्शन का, तो मैंने 2011 से मैंने इतने धक्के खा लिए और इतने पैसे गवा दिए। अभी जो मैंने अंदर थिएटर के अंदर जो मैंने बोला कि इंडस्ट्री किसी को अंडर एस्टिमेट क्यों करती है, मेरे पास ऊपर वाले ने नवाजा है, भगवान ने मुझे दिया है, मैं संभल गया, हर कोई तो नहीं संभल सकता ना। तो शुभरात्रि एक मेरी जिद थी, एक मेरा मतलब अभिमान नहीं कह सकता, मुझे ऐसा लगा कि नहीं फिल्म मैं पूरी कंप्लीट करूंगा, अधूरे में नहीं छोड़ूंगा। और फिल्म कंप्लीट होने के बाद एडिटिंग में बहुत सारे
स्ट्रेस हुआ, भाग दौड़ हुआ, बहुत मगजमारी हुआ, मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ बहुत सारा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं फिल्म को यहाँ तक लाया। और अकॉर्डिंग टू लॉकडाउन के दरमियान कई लोगों ने ऑफर दिया कि ये वेब सीरीज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने कहा भाई थिएटर के लिए फिल्म बनी है तो थिएटर में ही फिल्म रिलीज होगी, ये किसी से पैसा लेके फिल्म नहीं बनाई गई है, हमारे पैसे से बनाई गई है, इसलिए मैं फिल्म को थिएटर में ही रिलीज करूंगा, भले 100 चले उतर जाए, मेरे को उस बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने पैसों के लिए फिल्म नहीं बनाई। मैं करोड़ों लगा दिया, मुझे 10 करोड़ आएंगे, मैं उसके लिए फिल्म नहीं बनाया, मेरा शौक था, मेरा पैशन था, इसलिए मैंने बनाया। और रही सवाल शूटिंग के दरमियान काम करने की, तो काम सबसे ज़्यादा मजा आया मुझे काम करने में राजकुमार कनौजिया जी के साथ में, मेहुल के भी साथ में, हालांकि मैडम ने अपना बहुत टाइम दिया है, मैडम ने मुझे सबसे ज़्यादा मैडम ने दिया है, क्योंकि मैडम इस फिल्म की मेन भूमिका थी, क्योंकि इसमें जो मेहुल, शाहिद भाई और राहुल और राजकुमार कनौजिया और जावेद हैदर, ये सब लोग आते थे जाते थे, लेकिन सबसे अहम भूमिका मैडम ने निभाया है। और हमारे फिल्म के सभी कलाकारों ने बड़ी ईमानदारी से हमें कॉपरेट किया, और आगे भी हम बनाएंगे, अभी कुछ प्लानिंग है हमारा फिल्म। नहीं नहीं, ये देवा जी हैं, हमारे गाने में 4 सॉन्ग इन्होंने दिया, और जितनी फिल्में हमने बनाई और आधे में बंद कर दी, सभी फिल्मों में इन्होंने ही म्यूजिक दिया है। ये पहली फिल्म है जो इनकी रिलीज हो रही है 19 तारीख को, तो मैं ये चाहूँगा कि ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है, आप सब लोग जाइए, इन्जॉय कीजिए। और स्टोरी जो है सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री है, थोड़ा कॉमेडी है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मैंने भी 2-4 सीन कॉमेडी के किए हैं, जैसे कि आप लोगों ने ट्रेलर में देखा है, मैं ड्रिंक के साथ मैं पेड़ा खाता हूँ, दूध पी जाता हूँ, कब क्या खाना पता नहीं, बस खाली मुझे ये रहती है कि मैं सुहागरात कब देखूँ, लेकिन जब सुहागरात का समय होता है तो वहाँ कुछ और ही होता है। तो बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया फिल्म में, और बस आई एम हैप्पी, मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, बहुत हैप्पी उसके लिए, और सबको थैंक यू सो मच, तहे दिल से सबको थैंक यू सो मच। इसका कंटेंट जो है एक्चुअली थोड़ा थ्रिलर है, सस्पेंस है, रिवेंज कह सकते हैं आप, और मेरा जो किरदार है वो थोड़ा ग्रे शेड है इनिशियली, मतलब बहुत पॉजिटिव बंदा बताया, एंड मतलब स्टोरी जैसे आगे बढ़ती जाएगी तब पता चलेगा कि ये बंदे का कुछ ग्रे शेड है, और मतलब आई एम श्योर ऑडियंस को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी, बिकॉज कंटिन्यू लगेगा ही नहीं कि ये कहीं पर कुछ अटक रहा या जा रहा है, मतलब यहाँ पर लगा अरे ये शाहिद भाई विलन है, मेहुल भाई विलन है या राहुल भाई विलन है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो उसके लिए आपको सबको पूरी फिल्म देखनी होगी, म्यूज़िक भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारे गाने हैं, मैम ने भी बहुत अच्छी इसमें परफॉर्म किया, डांस भी अच्छा किया, राहुल भाई ने भी एक गाने में बहुत अच्छा डांस किया, फनी डांसिंग कॉमेडी, राहुल भाई ने बहुत अच्छी कॉमेडी एक्टिंग की है, कॉमेडी से सीधा नेगेटिव रोल भी उन्होंने शेड प्ले किया, सो हमने सब ने बहुत मिलकर मेहनत की है, आई एम श्योर आप सभी को ये फिल्म पसंद आएगी, 19 तारीख को अगले फ्राइडे रिलीज़ हो रही है, मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि थिएटर में आइए, हमारी फिल्म देखिए, आपका प्यार और आपकी दुआ हमें दीजिए। शाहिद भाई को बुलाओ, राजकुमार भाई, एक्टिंग में एक्चुअली सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मैंने कहा इस फिल्म से सीखी जाए, तो मुझे नहीं पता कि मैं सीख पाया कि नहीं पाया, लेकिन वो कैमरा फेस करना और टेक्निकलिटी समझना, तो मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया है सीखने के लिए, क्योंकि आजकल वीडियो में आने के लिए भी थोड़ी एक्टिंग चाहिए होती है, मैंने कुछ म्यूज़िक वीडियोस में थोड़ा बहुत काम किया, तो उसमें बस यही था कि कुछ टेक्निकली मैं वीक था उस जगह पे, तो मैंने कहा एटलीस्ट मैं वीडियो में अच्छा दिखूँ, और ये अपने दोस्त की फिल्म है तो मैंने सोचा कि कुछ करते हैं, ट्राई किया, राइट राइट एग्जैक्टली। किरदार बस एक हेल्पिंग फ्रेंड है जो हेल्प करता है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि हर चीज़ को अच्छे से तालीम लेनी चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, मुझे भी नहीं जानकारी और मैं भी सीख रहा हूँ, और सिंगिंग अपने आप पे इतना बड़ा सब्जेक्ट है, अगर उसमें भी ठीक ढंग से कर लिया जाए तो भी बहुत कुछ बच जाता है, तो एक्टिंग भी अपने आप में एक अकेडमी है, उसको भी सीखने के लिए एक ज़िंदगी लग जाती है।